लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसके लिए प्रत्येक जिला एवं ब्लॉक की महिलाओं को इकट्ठा करने का काम शुरू हो गया है, जिसके चलते आज जिला ब्लॉक महिला कांग्रेस द्वारा कार्यकारिणी सम्मेलन का आगाज किया गया। इस सम्मेलन में मुख्यतः महिलाओं को एकत्रित कर उन्हें किस तरह से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करनी है उसके बारे में प्रेरित किया गया। वहीं बताया गया कि सभी महिलाएं प्रत्येक जिले में हर ब्लॉक में हर घर घर जाकर किस तरह से कांग्रेस के कार्यों को बताएं और भारतीय जनता पार्टी की कमियां भी गिनाएं, इस बारे में उनको प्रशिक्षण भी दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती मांडवी चौहान, विशेष अतिथि के रूप में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी मोनिका मल्होत्रा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती वंदना मांडे उपस्थित रहीं। इस वालों से मेरा निवेदन है, फोटो हो गया क्या? नहीं लो। सभी महिलाएं कृपया शांत। चुनाव नजदीक है, चुनाव लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर महिला कांग्रेस का ये ग्वालियर चंबल संभाग का हर जिले का दौरा है। हमारी महिलाएं घर घर द्वार द्वार जाएं और जो हमारी सरकार बनी है आदरणीय कमलनाथ जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, आदरणीय है हमारे इस क्षेत्र में महाराज साहब की जो भूमिका रही है कि हमें कैसे जनता तक पहुंचना है और जनता की क्या मदद करनी चाहिए, किसान की बात हो या महिलाओं के सम्मान की बात हो, तो आज जो हमारे नेताओं ने वचन दिया था आज उसको उन्होंने पूरा किया है। किसानों का ऋण माफ़ किया है, महिलाओं को 51,000 बेटियों की शादी के लिए दिया है, वृद्धा जो पेंशन है विधवा वृद्धा विकलांग जो 300 रुपये इनकी सरकार में मिलती थी वो आज 600 कर दी है और अगले 2 महीने में वो 1,000 हो जाएगी। और जहाँ जननी सुरक्षा योजना की बात करें उसमें भी 26,000 से बढ़ाकर 16,000 से बढ़ाकर 26,000 कर दिए। ये सारी चीज़ें हमारी महिलाएं घर घर जाकर बताएंगी कि हमारी सरकार बनी है और हमने क्या किया। 15 साल की मामा की सरकार थी, मामा ने क्या महिलाओं को क्या बच्चियों को सुरक्षा दी है, क्या उनकी व्यवस्थाएं की है। और रहा उनकी मोदी जी की बात, तो मोदी जी ने जो वादे किए थे 15-15 लाख हर बहन के खाते में आएंगे, काला धन वापस लाऊंगा, महिलाओं को सुरक्षा दूंगा, गरीबी दूर करूंगा, हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा दिया था, वो उनका नारा फ्लॉप हुआ है। तो वो सारी जो व्यवस्थाएं इन्होंने दी है और जो इन्होंने वादे किए उनको पूरा नहीं किया है वो लेके हमारी महिला घर घर द्वार द्वार जाएगी। ब्लॉक अध्यक्ष हमारी अपनी वार्ड अध्यक्ष जिलाध्यक्ष जिले के कार्यकारिणी हमारा हर कांग्रेस परिवार की वो महिला अपनी जो विचारधारा कांग्रेस उससे अवगत कराएगी और जो हमारी सरकार काम कर रही है उसके बारे में बताएगी और जो भाजपा के मुख्यमंत्री ने या फिर भाजपा के प्रधानमंत्री रहे मोदी जी ने का कार्यकाल जो रहा है उसके बारे में अवगत कराएगी।